बाद में TPS किया, तो उसके वजह से वो अभी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हो सकता है अगर उनकी पॉलिसी में चेंज करेंगे तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि जो मुंबई थाने भिवंडी कल्याण डोंबिवली सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो नवी मुंबई की पोजीशन ऐसी किसी की भी नहीं है, क्यों आपको भिवंडी कल्याण डोंबिवली आपको पत्रकार बंधुओं को सबको ध्यान होगा कि वहाँ पे इंफ्रा क्या है, यहाँ पे इंफ्रा क्या है, तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट जो आम पब्लिक को जीने के लिए है वो यहाँ पे है, तो इसके अंदर अपन को ये चीज़ के ऊपर सड़कों को गौर करना चाहिए। BANM और क्रेडाई हमेशा नए तरीके से एडमिशन को एडमिशन का आयोजन करती है, कुछ हमेशा खास रहता है, इस बार क्या खास होने वाला और इसका उद्घाटन कौन करने वाला है? वो उद्घाटन का अभी तक डेट नहीं, डेट कंफर्म हुई है लेकिन श्योर नहीं हुआ, लेटर आने के बाद हम डिक्लेयर कर सकते हैं, तो अभी 7 तारीख को उसके पहले आप लोग को बताया जाए। देखो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एडवांस में रखा है, सुविधाएं किस तरह की रहेंगी इस बार कुछ अनूठा रहेगा क्या, जैसे पिछली बार बहुत सारी, जैसे देवांग ने पहले आपको बताया कि वाधवा बिल्डर जो बॉम्बे के बिल्डर है वो आ रहे हैं, कुकरेजा बिल्डर आ रहे हैं, इस टाइप का बहुत मतलब यहाँ पे न्यू बॉम्बे के अंदर ये दो जो एंट्री हुई है भले एरिया में अपने लेकिन उनकी नवी मुंबई है, आगे जाके इसके अंदर मैराथन भी आ सकता है, आगे जाके दूसरे भी आ सकते हैं, बड़े बड़े प्लेयर अभी आ रहे हैं गोदरेज आ, तो ये बड़े बड़े प्लेयर न्यू मुंबई में आ रहे हैं जो अपने नवी मुंबई के लिए कंपटीशन का आएगा, और ये कंपटीशन में जो कस्टमर आएगा उसको अच्छी क्वालिटी मिलेगी और कम भाव में। क्या अपील क्या करना चाहेंगे नवी मुंबई के ग्राहकों से जो 2 लाख से ज़्यादा लोग एप्लीकेशन सीखों के लिए किए हैं, नेचुरल आपकी तरफ मुड़ेंगे क्योंकि उनको सीधे अपॉर्चुनिटी मिलेगी घर देखने के लिए अपने हिसाब से अपने बजट से चुनने के लिए? देखो हर एग्जीबिशन में हम लोग बताते हैं कि नवी मुंबई का ऑप्शन ही नहीं है, नवी मुंबई का ऑप्शन ही नहीं है, तो हर एग्जीबिशन में हम यही बोलते हैं कि ये एग्जीबिशन में चुके तो दूसरा एग्जीबिशन दूसरे में, तो एक ही वर्ड्स आएगा लेकिन ये चुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सिड़कों का नए नए एरिया में जैसे यहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख रुपया मीटर जमीन हो गई तो यहाँ से अफोर्डेबल ख़त्म हो गया, अभी यही जाके आगे नए नए एरिया में जाओगे जहाँ सिड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है, थोड़ी बहुत पॉलिसी अगर चेंज होगी तो अभी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो बॉम्बे से या भिवंडी थाना कल्याण डोंबिवली से आने वाले एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ पत्रकार बंधु की इस चीज़ का आपके तरफ से प्रेशर होना चाहिए या रिक्वेस्ट होनी चाहिए जिसके वजह से यहाँ पे घर की ज़्यादा हो जावे और सस्ते में घर बेच पाए ताकि दूसरे और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को इसका बेनिफिट मिले। एक सिडको में प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, अपने पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी नैना में है, नैना में अपॉर्चुनिटी वो जाने वाली है हाथ में सिडको की पॉलिसी की वजह से, वो 60% जमीन जो ले रहे हैं और 40% बिल्डर को दे रहे हैं उसकी वजह से बिल्डर का बिल्डिंग 20 से 25 माला हो रहा है, 20 से 25 माला होने के बाद 30 माले तक भी जा रहा है तो आपको अफोर्डेबल हाउसेज नहीं मिलेंगे, तो आपकी तरफ से सिडको के MD का MD में एक प्रेशर, हम लोग तो हमारा लेटर लिखते ही है, प्रेशर क्रिएट करके जो 60% जमीन लेना चाहते हैं वो नहीं लेवे, 50% 40% जमीन लेवे तो बिल्डिंगें छोटी होगी, अफोर्डेबल हाउसिंग वहाँ बनेगा, नहीं तो आप हर टाइम एग्जीबिशन में अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते रहेंगे और रिफॉर्म में अफोर्डेबल हाउसिंग बनेगा नहीं। अपॉर्चुनिटी है और नहीं, हमारे के जो NBC कोड रहते हैं पूरे अलग रहते हैं, उतनी लिफ्टें ज़्यादा लगती है, उतना मेंटेनेंस में फर्क पड़ता है, तो अफोर्डेबल करने के लिए 7 माला 10 माले की अगर बिल्डिंग है तो अफोर्डेबल की एक बहुत बड़ी